गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज तुषार सर। आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर फिजिक्स। चैप्टर विल बी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर थर्ड, सरल रेखा में गति, क्लास 11th। ओके, एंड टुडेज टॉपिक विल बी, वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग। इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पाथ लेंथ वर्सेज डिस्प्लेसमेंट, पथ लंबाई और विस्थापन के बीच में जो डिस्कशन है वो लास्ट लेक्चर में आपका हो चुका था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों में स्पीड का मतलब क्या होता है और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है वो आप समझो। वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको तीन टॉपिक बताया था, इसके प्रीवियस लेक्चर में, व्हाट इज द पोजीशन एंड व्हाट इज द पाथ लेंथ एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, पूरी स्थिति क्या होती है, पथ लंबाई क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं टेंशन मत लेना आप, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है बट मैं आपको पूरा फुल आपको मैं हिंदी में आपको मैं डिफिनेशन लिखाऊंगा, जो भी कुछ यहाँ पे इंग्लिश में है वो मैं आपको बोल के मैं आपको हिंदी में राइट कराऊंगा। ओके, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे मैं देखता हूँ, जैसे सपोज करो एक पार्टिकल है, वो आपका एक ऑब्जेक्ट है, वो आपका ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ए पर है, ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ए पर है। ठीक है, और आपको पता है कि यूनिवर्स में टाइम जो है वो आपका टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम आपका कंटिन्यूसली आपका स्पेंड हो रहा है, टाइम कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता, केवल टाइम ही एक ऐसी चीज है जो कभी रेस्ट में नहीं हो सकती है, हमेशा मोशन में रहेगी, कभी घड़ी आपका कभी भी टाइम आपका नहीं रुकता, यानी कि टाइम हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ओ पर ए पर है, आपने देखा जब आपने इसको नोटिस किया तो टी इज इक्वल टू जीरो जीरो सेकंड, यानी कि स्टार्टिंग में जब टी इज इक्वल टू जीरो सेकंड है तो ऑब्जेक्ट कहां पर था, पॉइंट ए पर। आपने इसको दो सेकंड बाद देखा, दो सेकंड बाद आपने देखा तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम ए टू बी, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट आपका ए से शिफ्ट होकर कहां पर आ गया, बी पर आ गया, कब, दो सेकंड बाद। एक बात आप सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, अगर वस्तु की स्थिति बदल रही है तो 100% की उसकी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो 100% श्योर है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट या मोशन, इट विल बी इन द मोशन कंडीशन, ये आपका गति की अवस्था में है। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट के साथ चेंज हो रही है, यानी कि टाइम तो चेंज हो ही रहा है, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यानी कि अगर उसकी पाथ लेंथ चेंज हुई, पाथ लेंथ यानी पोजीशन अगर चेंज हुई, तो हम क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पीड। बात अब समझने की कोशिश करना, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही, टाइम तो चेंज हो ही रहा है, टाइम तो बदल ही रहा है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका कौन सी स्टेट में होगा, मोशन कंडीशन में, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पीड। बात समझ में आ रही है, तो स्पीड यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, ये बताओ ये पाथ लेंथ है, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये तो जो भी आपका डिस्टेंस होता है वही आपका पाथ लेंथ होता है, वही आपकी पथ लंबाई होती है। तो अगर इसकी पाथ लेंथ, जैसे ये तो धीरे धीरे इसकी पाथ लेंथ चेंज, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है तो पाथ लेंथ ही होगी, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है तो पाथ लेंथ ही होगी, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है तो पाथ लेंथ ही होगी, पथ लंबाई होगी। यानी कि अगर इसकी जैसे जैसे आपका टाइम बीत रहा है वैसे वैसे अगर इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पाथ लेंथ भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट आपका कौन सी कंडीशन में है, ये ऑब्जेक्ट आपका मोशन कंडीशन में है, गति की अवस्था में है। अब अगर ये मोशन कंडीशन में है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पीड, हिंदी में चाल, मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका मूविंग मोशन में है और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट हुई, यानी कि ये आपका स्पीड अप है, ये गति कर रहा है। बात समझ आ गई, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो बात हो गई किसकी, स्पीड की, चाल की, वेलोसिटी किसे कहते हैं। देखो स्पीड और वेलोसिटी में दोनों एकदम सिमिलर है, एक चीज का केवल डिफरेंस आता है, वो आता है डायरेक्शन का। जैसे ही स्पीड के साथ आप डायरेक्शन को कंबाइंड कर दोगे तो वो स्पीड स्पीड ना होकर के क्या बन जाएगा आपका, वेलोसिटी। जैसे
मैंने आपको यहाँ पर बोला ये आपकी प्लस एक्स एक्सिस है, ये आपकी कौन सी एक्सिस है, इस साइड में प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है, ऊपर प्लस वाई होता है, नीचे माइनस वाई होता है, ये कौन सी एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस। मैं आपको बोल रहा हूं ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है और ये ऑब्जेक्ट आपका प्लस एक्स, इसकी जो पोजीशन है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रही है। कौन सी डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो आपको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए प्लस एक्स में चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एक्स की तरफ जा रहा है। मैंने यहां पे डायरेक्शन की बात कर दी, अब जैसे ही आप डायरेक्शन की बात करोगे वैसे ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी जनरेट होगी उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्या, वेलोसिटी या मतलब वेग। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ कि अगर बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, यानी बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उस बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी उत्पन्न होता है, एक गुण उत्पन्न होता है, उस गुण को हम बोलते हैं क्या, चाल स्पीड। अगर उस बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है और हम डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्शन को भी ले रहे हैं, तो उस बॉडी के अंदर जो प्रॉपर्टी जनरेट होगी उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्या, वेलोसिटी वेग। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी आप समझाओगे इसकी डिफिनेशन, स्पीड की डिफिनेशन तो मैंने यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ, यानी कि अगर बॉडी की पोजीशन, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन। अभी मैं हिंदी में बताता हूं, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ, यानी कि अगर पाथ लेंथ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि अगर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी पाथ लेंथ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, समय के साथ बदले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड या तो चाल। हिंदी में क्या लिखोगे इसको, द रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन, यानी यदि किसी वस्तु की पथ लंबाई समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो उस वस्तु के अंदर एक गुण उत्पन्न होता है, उस गुण को हम बोलते हैं चाल। क्लियर है, ये तो पाथ लेंथ की बात हो गई। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यानी कि अगर इस ब्लॉक की पोजीशन, अगर इस ब्लॉक की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट के साथ चेंज हो रही, यानी कि अगर ये ब्लॉक, अगर ये वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट है वो समय के साथ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो इस ब्लॉक के अंदर जो प्रॉपर्टी जनरेट होगी उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्या, वेलोसिटी मतलब वेग। क्या लिखा मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां पे क्या है, पाथ लेंथ है, और अगर आप पाथ लेंथ को हटा के डिस्प्लेसमेंट करते हो तो प्रॉपर्टी आपकी स्पीड से चेंज होगी, क्या हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी वेग। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, यानी कि यदि किसी वस्तु में समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन हो तो उस वस्तु के अंदर एक गुण उत्पन्न होता है, उस गुण को हम बोलते हैं वेग। यानी अगर किसी बॉडी की, अगर किसी ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उस बॉडी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, वेलोसिटी। सिंपल है, ठीक है। अब बात आती है कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, पाथ लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, पथ लंबाई कौन सी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, मतलब इसके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन इसमें नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि एक कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड, मैंने कहीं भी डायरेक्शन की बात की नहीं की, मतलब ये क्या है, स्पीड है। मैं आपको बोल रहा हूँ एक कार मूविंग विथ ए वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, एक कार 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से नॉर्थ की तरफ गति कर रहा है, तो 50-50 क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, नॉर्थ क्या हो गया, ये तो डायरेक्शन हो गया, मतलब कि हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो हम किसकी बात करेंगे, हम वेलोसिटी की बात करेंगे। मैंने आपको बोला था कि एक कार मूविंग विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या है, वो मैं केवल स्पीड की बात करूं, मतलब केवल और केवल वो क्या है, चाल है। तो स्पीड की जब भी आप बात करोगे तो उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड आएगा, और जब भी आप वेलोसिटी की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा, तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें स्पीड में केवल और केवल परिमाण होगा।
इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, क्लियर है। अगर इसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, इसको आप बोलते हो अदिश राशि। और अगर इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा तो ये होगी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको आप बोलते हो सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो। और स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पीड एक्चुअल में आपको क्या बताता है। स्पीड आपको ये बताएगा कि इट टेल्स अबाउट हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मतलब कि ये स्पीड आपको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट आपका कितना फास्ट गति कर रहा है, कितना फास्ट उसका मोशन है। अगर ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे लॉन्ग, मान लो एक बस समझने के लिए आपको, मान लिया मैंने यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर है, वो ए से बी पर गया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है वो ए से सी पर गया, ए से बी तक की टाइमिंग है 2 सेकेंड और ए से सी तक की भी टाइमिंग है 2 सेकेंड। ये भी ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, टाइमिंग दोनों की सेम है, यहाँ की भी टाइमिंग 2 सेकेंड, यहाँ की भी टाइमिंग 2 सेकेंड। डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पर सेम टाइम पे ये ऑब्जेक्ट आपका कम डिस्टेंस कवर कर रहा है और सेकेंड वाले केस में सेम टाइम पे ऑब्जेक्ट आपका लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो अधिक है और यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो कम है, यानी कि यहाँ पर स्पीड अधिक है, मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका फास्ट मूव कर रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका स्लो मूव कर रहा है। तो स्पीड किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी कि वस्तु जो है वो आपका कितनी तेजी से गति कर रहा है। अगर वो ज़्यादा तेजी से गति कर रहा हो तो स्पीड आपकी अधिक होगी, अगर वो कम तेजी से गति कर रहा हो तो स्पीड आपकी स्लो होगी, सिंपल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इन टू एक्स। इसका मतलब आप पूरे फिजिक्स में समझ लो, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पूरे फिजिक्स में आपका यहीं पे यूज होगा। कहीं भी अगर किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ, यानी कि अगर पाथ लेंथ अगर हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता है, तो कहीं भी अगर आपका ये टर्म आता है रेट ऑफ चेंज, तो बिना कुछ सोचे समझे आप आंख बंद करके क्या लिखोगे, डी अपॉन डी टी। ये आपका मैथमेटिक्स है, डी अपॉन डी टी, अभी के लिए केवल इतना समझो कि डी अपॉन डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टी क्या है आपका टाइम, टी क्या है आपका टाइम, और ये डी यहाँ पे क्यों लिखा है डी अपॉन डी टी, ये हम बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए केवल इतना समझो आप कि कहीं भी अगर रेट ऑफ चेंज आता है तो आप क्या लिखोगे, डी अपॉन डी टी। कहीं भी डी अपॉन डी टी क्या रिपेंड करता है कि वैल्यू जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डी अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ, तो द रेट ऑफ चेंज किसका रेट ऑफ चेंज, पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया द रेट ऑफ चेंज और ये हो गया पाथ लेंथ, यानी कि ये परिवर्तन, यानी कि अगर कभी मैंने लिखा है कि पथ लंबाई में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज को हिंदी में आप बोलोगे परिवर्तन की दर। कहीं भी अगर आपका ये टर्म आता है तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, डी बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ इज कॉल्ड स्पीड, यानी ये किसके इक्वल होगा, ये आपका होगा किसके बराबर, स्पीड के बराबर। तो मैंने यहां पे लिखा है स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इन टू एक्स, यानी कि अगर हमारा ये पाथ लेंथ है, एक्स क्या है हमारा पाथ लेंथ, पथ लंबाई, यानी कि अगर x की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में, ये तो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर x सम टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या जनरेट होगा आपका, स्पीड, क्लियर है। यहां पे वेलोसिटी के केस में क्या लिख सकते हो आप, तो वेलोसिटी के केस में क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट को भी मैंने एक्स से ही लिखा है। यहां पर ये जो एक्स है ये पाथ लेंथ है, पथ लंबाई है, और यहां पर ये जो एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी,
विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा, तो स्पीड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एस से। स्पीड इजकल टू ये हो गया आपका dx मतलब डिस्टेंस, पाथ लेंथ, dt मतलब टाइम। तो x अपॉन t, x क्या है पाथ लेंथ, t क्या है टाइम, तो x क्या है, s क्या है आपका स्पीड, dx x क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को आप v से रिप्रेजेंट करोगे, किस से रिप्रेजेंट करोगे v से, और स्पीड को आप s से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम x अपॉन t, ये आपका फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू x बाई t और s इक्वल टू x बाई t। यूनिट क्या होगी इसकी, मात्रा की बात करते हैं तो ये बताओ ये पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, या तो सेकंड को आप ऊपर करोगे तो मीटर सेकंड इनवर्स, ये यूनिट हो गई किसकी, स्पीड की। वेलोसिटी की यूनिट ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, ये लेंथ है ना, तो मीटर, और ये टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, या तो सेकंड को ऊपर करोगे तो मीटर सेकंड इनवर्स, ये आपका यूनिट हो गया। यानी यूनिट दोनों की क्या है सेम। तो ये हो गया आपका स्पीड और ये हो गया आपका वेलोसिटी। सिंपल सा कहने का मतलब है, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना हो कि स्पीड का मतलब क्या हुआ, कि अगर बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे स्पीड। यानी कि अगर वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो वो होगा चाल, और अगर वस्तु की स्थिति, यदि वस्तु का विस्थापन समय के साथ बदल रहा है तो वो होगा वेग। अगर केवल और केवल मैग्नीट्यूड है तो स्पीड में जाएगा, और अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है तो वो जाएगा वेक्टर में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, यहां पे समझो एक ऑब्जेक्ट है वो ए पर है, वो ए से गति करते करते कहां चला गया, बी पर। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अभी ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट आपका ए से जाता है बी पर, फिर बी से डायरेक्शन चेंज करता है, बी से गति करते करते कहां पे चला गया, सी पर। ये पॉइंट है सी, सी। मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है कि नहीं, तो 100% श्योर है ये तो मोशन में, ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ये कंफर्म है। अब अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो इसके अंदर स्पीड आएगा, ठीक है। और अगर डायरेक्शन कहीं चेंज हो गई तो वेलोसिटी भी आ जाएगी, तो स्पीड कितनी होगी, इस केस में स्पीड कितना होगा, स्पीड का फॉर्मूला कितना, एक्स बाई टी, पाथ लेंथ अपॉन टाइम, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। मैं आपको बोलता हूं कि ए से सी तक, ए से सी तक जाने में ऑब्जेक्ट ने टोटल 4 सेकंड का समय लिया, ए से सी तक जाने में। अब बताओ पाथ लेंथ कितना, तो ए से बी डिस्टेंस कितना, ये बताओ ये 3 मीटर पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 मीटर, फिर बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी, 0, 1, 2, 3, 4, यानी ये कितना 4 मीटर, तो ये 3 और ये 4, तो टोटल लेंथ कितना 7, मतलब एक्स क्या है पाथ लेंथ, तो ये हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम हमारे पास कितना लगा 4 सेकेंड, ये हो जाएगा 4, मतलब आंसर कितना 7/4 m/s, दैट विद द स्पीड, यानी कि द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 7/4 m/s। अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, 6 वेलोसिटी, वेग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक्स बाई टी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की जो मिनिमम दूरी होती है वो, उस दूरी को हम बोलते हैं कि आप विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे निकालोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, दोनों को मिला दो इस तरीके से, ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बताओ तो ये लेंथ कितनी, ये कितना है 3, ये कितना है 4, ये बताओ तो हाइपोटेनियस, ये बताओ ये राइट एंगल हो गया ना, तो अगर ये 3 मीटर ये 4 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना,
सिंपल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना 5 डिवाइडेड बाई टाइम। अब बात यहां पर एक बात आप समझना, टाइम आप कौन सा टाइम लोगे, ये टाइम लोगे कि ये टाइम लोगे। तो टाइम हमेशा और हमेशा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का टाइम लेना है आपको। ये टाइम से मतलब आपको पूरा इनिशियल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट कहाँ, जब ऑब्जेक्ट आपका इनिशियल पोजीशन पे था तो टाइम कितना था t=0। जब आपने देखा कि वो ऑब्जेक्ट आपका फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया यहाँ पर, तो आपने देखा कि आपकी घड़ी में कितना हो रहा था, कितना टाइम हो रहा था 4 सेकेंड। स्टार्टिंग में टाइम कितना था 0 पे, यहाँ पे 4 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर था, तो आपको टोटल टाइम इंटरवल कितना हुआ, तो टोटल टाइम इंटरवल कितना 4 सेकेंड। यहाँ पे जो टाइम आएगा ये हमेशा हमेशा टोटल टाइम इंटरवल आएगा, यानी कि स्पीड कितना हो गया, वेलोसिटी कितनी हो गई 5/4 मीटर पर सेकेंड। ये अभी इनकम्प्लीट है, आपने डायरेक्शन की बात नहीं की है। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था टूवर्ड्स इनिशियल टूवर्ड्स फाइनल, फाइनल पोजिशन की तरफ आप जाओ। मतलब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, ये था। तो डायरेक्शन कहाँ पर हो जाएगी, इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, मतलब कि ए टू सी। 5/4 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए, यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम ए टू सी, दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज द वेग। यहां पे 7/4 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन नहीं है, 5/4 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन है। डायरेक्शन कहां पर है, ए से सी की तरफ। ए से ये बताओ डायरेक्शन, ए से ए टू सी का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशियल पोजीशन कौन सी है ए, फाइनल कहां पर है सी, यानी ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू सी। क्लियर है, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब हम डील करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये तो बात हो गई स्पीड और वेलोसिटी की, चाल और वेग। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है।